देखिएगा, हमने बताया था नोट के तौर पे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज 3xyz। ये हमने आइडेंटिटी लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, इसकी मुझको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और फिर भी सॉल्व नहीं होगा। तो आप क्या करिए, आप होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाने की बजाय आप ये देखिए, जब 3 क्यूब क्वेश्चन में अवेलेबल हो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में आपको 3 क्यूब मिल जाए तो आपको क्या करना होता, आपको इस आइडेंटिटी का याद आ जाना चाहिए, या ये वाली या इससे रिलेटेड एक और आइडेंटिटी थी उसकी आपको याद आ जाना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, इसको मैंने ए मान लिया एक्स माइनस वाई को, और इसको मैंने बी मान लिया वाई माइनस जेड को, और सी मान लिया जेड माइनस एक्स को, ठीक है। पहले जो सर ये जो कौन सा टर्म्स है क्वेश्चन? बेटा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसको मैंने अलग से ए बी सी मान लिया और इनका सम हम ले लेते हैं। अब मैं इनका सम अगर लूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, ए का वैल्यू प्लस वाई माइनस जेड, बी का वैल्यू प्लस जेड माइनस एक्स, सी का वैल्यू, इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो 0 आ गया। क्या 0 आया? ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 आ। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 आएगा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 3ABC, इस आइडेंटिटी के हिसाब से, ठीक है जी, फेयर एनफ। अब ए बी सी का वैल्यू डाल दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा, ए की जगह हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, बी की जगह वाई माइनस जेड का होल क्यूब, और सी की जगह जेड माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या आएगा, सी, ए का मतलब एक्स माइनस वाई, बी का मतलब वाई माइनस जेड, और सी का मतलब जेड माइनस एक्स, ये मेरा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने बोला जब आपके पास 3 क्यूब दिख जाए तो आपको इस आइडेंटिटी का ध्यान आ जाना चाहिए। तो एक टर्म को, फर्स्ट टर्म को मैंने ए माना, सेकेंड को बी माना, थर्ड को सी माना, और तीनों का मैंने सम निकाला, सम निकाल के सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है तो 0 आ गया। तो अगर तीनों का सम 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमने बोला 3ABC हो जाएगा। तो ए का वैल्यू डाल लो एक्स माइनस वाई, बी का वाई माइनस जेड, सी का जेड माइनस एक्स, तो इन सब का क्यूब, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है प्लस जी। ए प्लस बी प्लस सी वाला दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, उसका ज्यादा यूज ही नहीं। यस नहीं, जरूरत ये वाला कह रहे थे ये चीज, सर, हाँ नहीं, ये तो जरूरत तो है, जरूरत इसलिए है कि आपको, अदरवाइज आप कैसे बताओगे सिंपली कि भाई इनका सम 0 आ रहा है। तो बेटर ये ना कि आप ए इंडिविजुअली प्लस उनको, बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिखाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, वो तो दिखाना पड़ेगा ना, अगर ये 0 नहीं दिखाएंगे तो हम ये आइडेंटिटी कैसे बोलेंगे कि ये लगेगी, अगर हम ये नहीं दिखाएंगे 0 तो हमें कैसे मालूम कि ये दिस इक्वल टू 3ABC आएगा ना, इसलिए। सर इसके ऐसे और बाद एग्जांपल्स दे, हाँ, एक मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए जरा इसको, इसको ट्राई करिए। सर हम फिर 3 से सबको इंटू नहीं कर देंगे? से सब बेटा ऐसे होता है, जैसे 3 2 इंटू 4 इंटू 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि 3 तीनों से इंटू होगा। अगर 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो इसका क्या मतलब होता है बच्चे, इसका मतलब है ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई करके 3 से इंटू होगा, या फिर इस थ्री तो को सर हम मल्टीप्लाई नहीं करें? मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो हम ओपन नहीं करेंगे।
ऐसे छोड़ेंगे। तो फिर फाइनल आंसर यही आ गया हमारा। यही फाइनल आंसर है जी, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ये है 3x माइनस y होल क्यूब y माइनस 2z होल क्यूब प्लस 2z माइनस 3x होल क्यूब, तो ट्राई करिए आप लोग। एक दूसरा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का होल क्यूब z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल क्यूब, इसको ट्राई करिए। दो क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं होंगे तो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप लोग सॉल्यूशन चेक करिएगा। ये हमने दोनों पार्ट दिए हैं। क्या करेंगे फर्स्ट वाले के लिए, हम a मान लेते हैं इसको 3x माइनस वाई, b मान लिया y माइनस 2z को, c मान लिया 2z माइनस 3x को, a प्लस b प्लस c लगाया 3x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 2z, 2z माइनस 3x, टर्म्स सारी कैंसिल आउट होके जीरो हो गया। तो हम बोलेंगे a प्लस b प्लस c जीरो है, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज 3abc। अब abc का वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, तो 3x माइनस वाई उसका होल क्यूब, y माइनस 2z होल क्यूब, 2z माइनस 3x का होल क्यूब, तो रिजल्ट आ जाएगा 3x माइनस वाई एंड y माइनस 2z एंड 2z माइनस 3x, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस फिर सेकंड वाला देखिएगा, ठीक है, बढ़िया शाबाश। सेकंड वाले में फिर से a मान लिया हमने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को, b मान लिया हमने y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर को, और c मान लिया हमने z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को, उनका सम करेंगे a प्लस b प्लस c, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सारी टर्म्स कैंसिल आउट होके फिर से जीरो आ गई। अब हम बोलेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज 3abc, दैट मीन्स अब वैल्यू डालो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का होल क्यूब, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर होल क्यूब, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल क्यूब इज 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फर्दर इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आइडेंटिटी से और ब्रेक कर सकते हैं, तो इट विल बी x माइनस y, x प्लस y, y माइनस z, y प्लस z, z माइनस x, z प्लस x, ये हम फाइनल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, वो भी आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन है इवैल्यूएट लास्ट में समझ नहीं आ रहा, हमने सेकंड वाले में किया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी ना उसमें हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी कौन, ठीक है। तो अब इसको इवेलुएट करना है, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का होल क्यूब, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस y का होल क्यूब, y माइनस z का होल क्यूब और z माइनस x का होल क्यूब। तो ये हम अगर आप चेक करें, ये दो क्वेश्चन बन गए, एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक हमने जो पहला किया था शुरू में ही, उन दोनों का रेशो है ये। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ट्राई करिए एक बार पहले, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, करिए जरा ट्राई सर। चलो जी चेक करिएगा, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको, मैं इसको फिलहाल डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो ऐसे ले लेंगे टेकिंग
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड सिमिलरली एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू जीरो देयरफॉर ऊपर हम लिख लेंगे थ्री देयरफॉर पहले आइडेंटिटी लिख लेंगे ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब इज थ्री ए बी सी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो ऊपर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स तो थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स साथ में एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स समझ में आ रहा है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर लिया ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस वाले को अलग लिखा और माइनस वाले को अलग लिख दिया तो अगर आपने एक साथ लिखा है तो भी सही है कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये तीनों टर्म नीचे से कट गई तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा x प्लस वाई वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स ये आपका फाइनल आंसर है। चेक करिए ठीक है कि नहीं। यस सर सही है। क्वेश्चन 15 का जो फर्स्ट पार्ट है आप क्या करिए 715 इनटू 20 हाँ योग्य 35 प्लस 12 पहले तो प्रोडक्ट हमें क्या लाना है प्रोडक्ट लाना है 25 इंटू 12 ठीक है जी कितना आ गया 300 आ गया तो 300 के हम ऐसे दो टर्म्स ले लेंगे जिनका सम करने से आपको क्या मिलना चाहिए सम मिलना चाहिए 35 सम आना चाहिए 35 तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 20 और 15 को अगर मैं प्लस करूंगा तो सम आएगा 35 और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 300 आ रहा है। अब आप स्क्वायर से लिख लो 25 a स्क्वायर सर 5a माइनस 3 5a माइनस 25 a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15 प्लस 12 ऐसे हो जाएगा तो हो गया 25 a स्क्वायर माइनस अंदर ले लो 20a माइनस 15a प्लस 12 तो पहली दो टर्म्स में से कॉमन लीजिए 5a कॉमन आ रहा है बच गया 5a माइनस 4 और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 बच गया 5a माइनस 4 क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर साइन चेंज कर दो तो फाइनली आ गया 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3 उनमें से जो बड़ा है उसको हम लेंथ मानेंगे तो बड़ा कौन सा है ये आपके पास बड़ी टर्म है बड़ी टर्म क्यों है क्योंकि 5a में से 3 लेस हो रहा है अगर हम माइनस कर रहे हैं बड़ी टर्म माइनस कर रहे हैं तो वो टर्म छोटी कहलाएगी मतलब यहाँ पर 5a है यहाँ 4 माइनस हो रहा है यहाँ 3 माइनस हो रहा है तो जो 4 माइनस हो रहा है तो ये टर्म छोटी कहलाएगी यहाँ 3 माइनस हो रहा है तो ये टर्म बड़ी कहलाएगी तो जो बड़ी है उसको हम लेंथ बोलेंगे लेंथ विल बी 5a माइनस 3 एंड ब्रेड हम बोलेंगे 5a माइनस 4 क्यों क्योंकि ये एरिया दे रखा आपको रेक्टेंगल ठीक है जी आया सबको समझ सेकंड पार्ट में है डिफरेंस में 28 और 15 ले 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 तो प्रोडक्ट हमें क्या लाना है प्रोडक्ट हमें लेके आना है 35 इंटू माइनस 12 विच इज माइनस 420 प्रोडक्ट नेगेटिव है तो डिफरेंस आना चाहिए 13 तो अब आप क्या करो अगर आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा तो 420 के फैक्टर्स बना दो 2 से डिवाइड करेंगे तो 210 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 फिर आप इसको 5 से करेंगे तो 21 फिर 3 से करेंगे तो 7 ये हमारे फैक्टर्स आ गए तो फैक्टर्स क्या क्या हैं फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 5 × 3 × 7 आप चेक करो अगर मैं 7 × 4 लेता हूं
तो ये 28 आएगा और 5 इंटू 3 लेते हैं तो 15 आएगा, इन दोनों का माइनस करके 13 आ रहा है। तो आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी होंगी। एक तो 28 15 आ रहा है, और क्या हो सकता था, और ये हो सकता था कि 4 इंटू 5 20 और 7 इंटू 3 21, तो इन दोनों को माइनस करने से आपका 1 आएगा, 13 नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग पेयरिंग करके खुद एक्सप्लोर करना है कि वो कौन सा पेयर बनेगा सर आ गया से माइनस करने से 13 आ जाए। ठीक है जी, क्या किया पहले प्राइम फैक्टर्स बनाए, सर उन्हीं प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके, जैसे 7 इंटू 4 28, 5 इंटू 3 15, या फिर ये ले सकते थे 4 इंटू 5 और 3 इंटू 7, ऐसे बहुत सारे बन सकते थे। तो आपको खुद एक्सप्लोर करना है कि कौन सी दो टर्म लेने से 13 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 35y² और 13 को लिख लेंगे 28 5y + 4 7y - 3। इस तरह से आ जाएगा, तो 35y² और y को अंदर ले लो, तो 28y - 15y - 12। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 5, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो बचेगा 5, और ये हो जाएगा 4। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने माइनस कॉमन लिया है तो दोनों टर्म नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो फाइनली 5y + 4 and 7y - 3। तो इसमें से इस बार लेंथ मुझे बताना है कौन सा होगा, ब्रेथ कौन सा होगा जिसमें मल्टीप्लीकेशन -3 लेंथ हो, जिसमें भी मल्टीप्लीकेशन में बड़ा टर्म है वो बड़ा आएगा, वही लेंथ माना जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 5 है, यहाँ पर 7 है, तो बड़ा 7 है, हम बोलेंगे लेंथ इज 7y - 3 एंड ब्रेथ इज 5y + 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए, चेक करिए किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है तो।